Hello, Pooja. Kaisi hai aap? Good to see you. Aiyah, aiyah. Dilip ji. Yes, bolye, bolye. आप इतने पुराने दोस्त रहे हैं योगेश भाई के. आप 3 बजे रात को इनको फोन करते हैं, आपका फोन उठा लेते हैं. आप 4 बजे फोन करते हैं, इनको फोन उठा लेते हैं. आपकी पीवी आपको परेशान करते हैं, तब भी आपका फोन उठाकर आपको एडवाइस करते हैं. इन सब चीजों के बारे में आज बोल दीजिए ओपनली. आज ये नहीं जहर में बोलना था, लेकिन अभी आपने मुद्दा छेड़ दिया है तो अभी एपिसोड की प्रेरणा योगेश भाई से मिलती है. इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो हरकतें हैं, नहीं नहीं योगेश भाई की क्या क्या हरकतें हैं प्लीज बता दीजिए, स्पेसिफाई करिए. 2-3 वो शायद डिटेल में आसिफ भाई बता पाएंगे. आसिफ भाई बता दीजिए, एक सेकंड हमें जाना. 2 हरकतें इनकी जो टीवी स्क्रीन पर आती है आपके सीरियल के जरिए, बता दीजिए आज योगेश भाई की. भाई योगेश भाई की. योगेश भाई हमको सबको बहुत प्यार करते हैं और मैं कहना चाहूंगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला होर्डिंग इन्होंने लगाया था तो वो चैनल कोई देखता भी नहीं था. बहुत खुशी होती है आज इनके ये बर्थडे पे हमको आने का मौका मिला है और हमेशा एकदम प्यार से बुलाते हैं तो कितने भी बिजी होते हैं उनका प्यार हमको खींच के लेके आता है. और मैं समीर भाई को भी मेरा उत्तर बुलाता हूँ. समीर सत्या जी ये भी हमारे खास मित्र हैं. समीर जी कैसे हैं आप? रिलायंस से कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग हियर. जो भी आता है उनको कंग्रेचुलेट करना बड़ी बात होती है यहाँ पे आने के लिए. थैंक यू सर. हाउ यू? और पूजा जी,